तो सो भी मेरे होम टाउन हरिद्वार से एक एलिवेशन हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था। तो जैसे कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन था इसका फ्रंट था और ये जो आप देख रहे हैं इसका साइड था। तो इसमें बेसिकली जो है वो ACP शीट का जो है वो काम होना था, इसके साथ साथ जो है लाइटिंग इफेक्ट जो है वो ऐड करने थे, टेक्सचर पेंट ऐड होना था, बहुत डिटेलिंग वाला काम जो था इसमें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपका इसका जो फ्रंट है और फिर आपका साइड हो गया, तो साइड में आप देखेंगे कितना वर्क था और ये फ्रंट पे भी जो कितना वर्क था, तो अच्छा खासा डिटेलिंग का वर्क था। तो इसकी डिटेलिंग को करते हुए इनका जो एलिवेशन का टेस्ट समझते हुए इनका जो डिजाइन है वो किस तरीके से करा, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। और बेसिकली ये जो था ना इनका जो घर था, तो इसका कोई प्लान तो बना हुआ नहीं था क्योंकि रिनोवेशन का वर्क इसमें हो रहा था, तो इनका पुराना घर था। तो इन्होंने अब इस कंडीशन तक तो इन्होंने पहुंचा दिया था। अब ये जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरीके से हम जो इसको लेकर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजाइनिंग जो इसमें ऐड हो रखे थे और कलर्स को कहां पर किस तरीके से रखेंगे, तो ऐसे डिजाइन में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो रहती है। तो चलिए इसी चीज को सॉर्ट आउट करते हुए सबसे पहले जो हम देखते हैं कि क्लाइंट का टेस्ट किस तरीके से था। तो इन्होंने अपना टेस्ट हमारे साथ शेयर किया था, वो मैं आपको जो दिखाता हूं। तो जैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, तो देखिए इसमें आपका वुडन कलर हो गया, इसके साथ आपका क्रीम कलर हो गया और जाली, ये जो इन्होंने फोटो भेजी। फिर नेक्स्ट फोटो आप देखेंगे तो अगेन इसमें भी सेम था, आपका वुडन और क्रीमिश कलर इसमें हो गया। देन फिर अगेन आप देखेंगे तो ग्रे, वुडन और वाइट। देन फिर नेक्स्ट में आपका ग्रे और वुडन, फिर नेक्स्ट में भी आपका जो है वो वुडन ग्रे और थोड़ा क्रीमिश सा, देन फिर अगेन आपका वुडन क्रीमिश सा और वाइटिश सा, देन फिर अगेन वुडन और वुडन क्रीमिश जाली। तो देखिए अब ये जो इन्होंने अपने जो रेफरेंस भेजे थे, तो इससे हमें ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनका जो टेस्ट था ना वो कहीं ना कहीं जो रेफरेंस है सब में वुडन कॉमन था, आपका ग्रे कॉमन था, जाली कॉमन थी। तो इस चीज को समझते हुए इनका जो फ्रंट का जो डिजाइन किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे ना, ये इनका फ्रंट हमने जो डिजाइन किया, गेट इनका ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके साथ में हमने जो है ना दो आपकी अप डाउन लाइट यहाँ पे ऐड कर दी। देन फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लेजिंग यहाँ पे ऐड करी है, ग्लेजिंग करी है। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मुलियंस। ये मूलियंस क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर कंप्लीट पूरा का पूरा अगर ग्लास लगाते हैं तो वेट जो है ग्लास का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सिंगल ग्लास को, और अगर हल्का सा भी इसमें कुछ क्रैक आता है तो पूरा ग्लास टूट जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि फ्रेमिंग करके छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो है ग्लास को हम जो लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। फिर अगेन अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है आपका ACP शीट हो गया, और बेसिकली मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने ACP शीट का भी जो है डिज़ाइन भेजा था। तो ये जो है ACP इन्होंने जो पसंद कर रखी थी, तो इनको इसी के अकॉर्डिंग ही जो है डिज़ाइन चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपके साइड में जो है, क्योंकि किसी और का घर जो था और यहाँ पर भी जो है किसी और के घर बने हुए, तो वहाँ से आपका जो व्यू है उसको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे हमने लोवर दिए थे साइड में, ताकि एक प्राइवेसी मेंटेन रहे। देन फिर ये जो आप देख रहे हैं आपकी यहाँ पर, ये आपकी गणेश जी की यहाँ पर जाली हो गई, और फिर नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ग्लास हो गया, ये क्लियर्ड ग्लास है, हल्का सा ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर इसमें जो वो ऐड कर रखा है। और दूसरे जैसे जाली हो गई, ये ACP हो गया, तो ये बेसिकली जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट एलिवेशन के जो मटेरियल होते हैं ना, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ना एक एक मटेरियल को पकड़ के एकदम A to Z डिटेल में क्या प्राइस होते हैं, किस किस तरीके से शीट आती है, क्या क्या वेराइटी आती है, इन डेप्थ डिटेल में जो है वो कम्प्लीट कोर्स भी जो है वो क्रिएट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं उसको चेक करना तो उसका भी लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, देखिए टॉप पे यहाँ पे जो फ्रंट है और ये जो आपके सीलिंग है, तो दोनों पे जो है आपका ACP यहाँ पर भी है और सेम ACP आपकी यहाँ पे भी है, तो इस तरीके से यूज़ कर रखी है। देन फिर अगर हम बात करें यहाँ पर हमने हैंगिंग लाइट का यूज़ कर रखा है, ये देख रहे हैं हैंगिंग लाइट यहाँ पर यूज़ हो गई। फिर इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लांटर्स के लिए यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे नेम प्लेट आ गई, नेम प्लेट के चारों तरफ जो है वो लाइटिंग इफेक्ट आ गया, और यहाँ पर आपके जो है वो तीन वर्टिकल कॉलम्स का जो डिज़ाइन है वो खड़ा कर दिया, और यहाँ पर अप डाउन लाइट्स को जो है ऐड कर दिया है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये आपका वर्टिकल गार्डन यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये जो मैंने आपको फ्रंट का व्यू दिखाया ना, इसका मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। 360 व्यू जो है वो आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ डिफरेंट होगा। तो देखिए जैसे कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये जो फ्रंट एलिवेशन अभी जो था इसका 360 या फिर पैनोरामिक व्यू जो है वो कंप्लीट यहाँ पर जो क्रिएट कर रखा है, जिसको हम जो है जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं और पूरा घुमा घुमा करके पूरा देख सकते हैं, पूरा 360 व्यू जो क्रिएट हो रखा है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक तो वैसे भी नहीं करते हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने एफर्ट लगते हैं वीडियो को बनाने में। और नीचे मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से आपको लगा है जो व्यू मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके साइड व्यू की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो ACP शीट का यूज़ कर रखा है,
और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर विंडो में बेसिकली आपका वाटरफॉल जो है हमें लगाना है कि फ्रंट से जो वाटरफॉल वाला फील जो है वो लगना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो डिज़ाइन करा हुआ है, देन फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है वो प्ले कर रखा है आपके ग्रूव्स के अंदर। देखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर में, तो ये जो है आपका टेक्सचर पेंट है, आपका टेक्सचर पेंट हो गया। देन फिर यहाँ पर देखेंगे ये आपके वर्टिकल ग्रूव्स आ गए, देन फिर सीधा सीधा चलते चलते ये आपके हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स आ गए। और इन टेक्सचर पेंट को जो है वो कंप्लीट और अच्छे से हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर जो है अप डाउन लाइट्स का यूज़ भी कर रखा है। और फिर जो आप एसीपी शीट आप देख रहे हैं ना, इसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रूव्स दे रखे हैं, जो कि आपका नॉर्मल प्लेन से काफ़ी अच्छी जो है वो लगती है। देन फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्टिकल ग्रूव्स है इसको कंटिन्यू रखा हुआ है, ताकि दिखने में थोड़ा सा एलिगेंसी जो है आपको देखने के लिए मिले। और जैसे कि आप इसकी एक्चुअल जो फोटो है साइड की अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ना स्टोन लग चुका था, यहाँ पे स्टोन लग चुका था, तो वही स्टोन को जो है यहाँ पर हमने जो है वो डिस्प्ले कर दिया कि ये स्टोन जब यहाँ पर लगेगा और ये सब चीज़ें आपस में मिलेंगी तो किस तरीके से लगेगा। यहाँ पे चार लाइट्स को ऐड कर दिया है, और सेम यहाँ पे जो आपके वर्टिकल एसीपीज के जो ग्रूव दे रखे हैं, तो डिक्टो यहाँ पर भी हमने जो है वो सेम अप्लाई कर रखे हैं, यहाँ पर भी सेम अप्लाई कर रखे हैं। और अगर आप एक्चुअल फोटो देखेंगे ना रियल में, तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका एसीपी और यहाँ पर हमने तीन जो है हैंगिंग लाइट्स को, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अगर आप एक्चुअल जो साइड की फोटो में देखेंगे इस वाले व्यू में ना, तो यहाँ पर ना स्टेयर्स आ रही थी, तो यहाँ पर हमने जो इस तरीके से इसको एसीपी से ही कवर करके जो इस तरीके से कवर करेंगे, यहाँ पर जो स्टेयर जो दिख रही थी एमएस की, तो वो जो यहाँ से हाइड हो गई हैं, और ये पैरागोला जो है यहाँ पर जो वो ईजिली मेंटेन है। तो इस तरीके से आपका जो साइड वाला जो व्यू है वो भी जो हमने इसमें कवर कर दिया। तो इस तरीके से जो कंप्लीट एलिवेशन है जो कि इनका आया था, किस तरीके से था, किस तरीके से इसको लेके गए कलर कॉम्बिनेशन से लेकर के 360 व्यू तक, सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।